Assalamualaikum everyone. Assalamualaikum. And welcome back to our channel. बहुत दिन हो गए हमने वीडियो नहीं डाली, लेकिन आज अच्छा मौका है वीडियो डालने का, वीडियो बनाने का एक्चुअली. आई होप कि सब बिल्कुल ठीक ठाक रहे होंगे, बड़े मज़े में रहे होंगे. और सो हम आज जा रहे हैं मस्कोका, क्योंकि फॉल आ गई है. तो जितनी भी पिक्चर्स देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं मस्कोका के बारे में, तो वो यही है कि फॉल में मस्कोका को देखने का मज़ा ही हो रहा है. तो काफ़ी अर्से से हम प्लान बना रहे थे, बट कोइंसिडेंटली फॉल में हम मस्कोका जा रहे हैं फाइनली. तो आपको साथ लेकर चलते हैं और दिखाएंगे आपको कैसा लगता है. मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ पिक्चर्स देखने के बाद. आई होप कि वैसा ही हो जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ. बाकी मैं साथ सामान भी अपना लेकर आई हूँ कि रास्ते में टाइम नहीं ज़ाया हो. खैर, बंदे को रास्ता एंजॉय करना चाहिए, लेकिन फिर भी आई हैव समथिंग ऑन माई माइंड एंड आई वॉन्ट टू कम्प्लीट इट. सो दैट्स वाई लेट्स गो, लेट्स सी यू इन मस्कोका. ओके जनाब, सो हम पहुंच आए हैं इस वक्त मस्कोका में. हम एरोहेड पार्क में हैं और इस वक्त मौसम इतना ज़बरदस्त है. ऑल्दो हम लेट हो गए हैं काफ़ी, तो इसी वजह से हमने प्लान किया है कि हम यहीं पर रात गुजारेंगे, विच वॉज़ अ वेरी स्पॉन्टेनियस किस्म का प्लान. वो समझ आ रहे हैं हमें इग्नोर करते हुए. तो खैर, आप देखिए मेरे पीछे दरख्त कितने खूबसूरत लग रहे हैं. और ये सारे रास्ते में बहुत प्यारे दरख्त थे, बहुत प्यारे कलर्स थे. और अब देखते हैं कि पार्क कैसा होगा, आपको साथ साथ रखते हैं. लेट्स डिस्कवर इट. मस्कोका में एक्टिविटीज़ के हिसाब से करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है. मस्कोका इज़ ऑल अबाउट इट्स एक्सपीरियंस. यहाँ सिर्फ साइट सीइंग के लिए आप आ सकते हैं. जब अपनी बिजी लाइफ से दूर आपका सुकून से टाइम गुजारने का मूड हो और लाइफ को स्लो डाउन करके सिर्फ रिलैक्स करने का दिल करे, तो मस्कोका इज़ योर प्लेस. यहाँ बहुत सारे एयरबीएनबी ऑप्शंस, बहुत सीनिक व्यूज़ और पुरसकून और कोजी इन्वायरमेंट के साथ अवेलेबल हैं. यू कैन बुक देम फॉर अ फ्यू डेज और आप बहुत पीसफुल और काम सी मिनी वेकेशन यहाँ कर सकते हैं. बट द ओनली कैच इज कि आपको ये जगह मंथ्स इन एडवांस बुक करानी पड़ती हैं, अदरवाइज दे आर फुली बुक्ड. मस्कोका जाने के लिए ये दिन खिजां के हसीन रंगों के अलावा मौसम के लिहाज से भी बेहतरीन था. हल्की हल्की ठंड और हवा के साथ बादलों से झांकता हुआ सूरज रूह को सुकून पहुंचाने के लिए काफी था. माहौल में ठहराव था, एक सुकून जो दिल में उतर रहा था. किसी फन एक्टिविटी के ना होने के बावजूद भी ये दिन बहुत यादगार और खूबसूरत था. इस दिन को याद करके ये एहसास होता है कि इंसान को हकीकत में खुश रहने के लिए ज़्यादा कुछ की ज़रूरत नहीं होती. सिर्फ अच्छी कंपनी और ज़िंदगी के मसरूफियात और शोर से दूर चंद लम्हे आपकी रूह को सुकून देने के लिए काफ़ी होते हैं.
बगैर किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी के भी अच्छा वक्त गुजारा जा सकता है, खामोशी में भी इंजॉय किया जा सकता है, कुछ ना करके भी लम्हों को यादगार बनाया जा सकता है। हमने दिन का ज़्यादातर हिस्सा इसी जगह पे इंजॉय करते हुए गुजारा। इस लोकेशन की सबसे अच्छी बात ये थी कि यहाँ बहुत रश नहीं था और जो भी लोग इर्द गिर्द मौजूद थे वो भी शायद सुकून के लिए ही आए थे। यहाँ या तो सिर्फ पानी की आवाज़ थी या फिर परिंदों की। नज़ारे इंजॉय करने के अलावा हमारी यहाँ स्टे की कोशिश भी जारी थी। एयरबीएनबी, होटल्स, मोटेल्स, हमने हर जगह के लिए अपनी सी कोशिश की लेकिन अभी तक हमें कोई कामयाबी नहीं हुई थी। मोस्टली होटल्स फुली बुक थे, मोस्टली मोटेल्स बंद थे और एयरबीएनबीज या तो बहुत महंगे थे या फिर ऑक्यूपाइड थे, जो कि बनता है। इसलिए डिसाइड ये हुआ कि हम पहले डिनर करेंगे, फिर बाद की बाद में देखी जाएगी। ओके जनाब, सो हम गाड़ी में वापस आ चुके हुए हैं। इस वक्त टाइम क्या हो रहा है? घड़ी छुपी भी है, खैर जो भी टाइम हो रहा है, मगरिब होने वाली है और बहुत खूबसूरत जगह है। लाइक इस टाइम देखने के लिए तो बहुत ही खूबसूरत है बिकॉज ऑफ ऑल द कलर्स ऑफ द ट्रीज राइट नाउ। लाइक एक दरख्त में कोई 8-10 कलर, 8-10 तरह के ह्यूज हैं एंड देर ऑल सो आई कैचिंग, सो प्लीजिंग। ओ माई गॉड, आई कैन नॉट इवन ट्राई टू एक्सप्लेन इट बिकॉज इट्स वर्थ वॉचिंग। आप अपनी आँखों से देखते हैं ना तो फिर ही पता चलता है। खैर बहुत ज़्यादा रैम्बल कर लिया है। अभी हम पार्किंग में बैठे हुए हैं, हम लेक पर गए थे
और नेशनल पार्क में गए थे। हम असल में ट्राई कर रहे थे, जैसे मैंने पहले बताया कि हम यहीं पे स्टे करने का सोच रहे हैं। क्या बना? ओके, सो जस्ट लाइक यू हर्ड कि हुआ यूँ है कि यहाँ पर होटल्स आर रियली रियली एक्सपेंसिव और एयरबीएनबीज का सीन भी कुछ जो है वो ऐसा ही है, कुछ एक्सपेंसिव हैं, कुछ बुकड हैं क्योंकि लास्ट मिनट है, तो कुछ अवेलेबिलिटीज़ के इश्यूज़ हैं। तो अभी हम कुछ खाने के लिए ढूंढते हैं पहले और फिर देखते हैं कि हमने करना क्या है रात का, बिकॉज हम काफ़ी दूर आए हैं तो हमें लग रहा है कि इट्स नॉट वर्थ इट कि हम बगैर स्टे के वापस चले जाएँ। मुझे लग रहा है मुझे ऐसी जगह पे रहना है। आई नीड अ स्टेकेशन। छोड़ जाए मुझे इधर ही, जंगल में छोड़ जाए गाड़ी समेत। मंडे तक पहुंच जाऊंगी मैं घर। वो तो चल के नहीं पहुंच जाओगे। नहीं, चल के नहीं पहुंच सकती। आप लोग दुआ करें, बल्कि मैं दिल में दुआ करती हूँ, आप लोग जब तक देखेंगे तब तक सब कुछ हो चुका होगा। मैं सीट बेल्ट नहीं पहनूंगी। हमें हेडलाइट्स पड़ी हैं। सो जनाब, हम आ गए हैं खाना खाने के लिए। इस वक्त हमें अभी तक कोई एयरबीएनबी या कोई रहने की जगह नहीं मिली है। मोस्ट प्रॉब्ली हम वापस ही जा रहे होंगे, बट अभी हम खाना खाएंगे तो फिर डिसाइड करेंगे क्या सिचुएशन है। हलाल ऑप्शंस नहीं हैं, सो वी आर मोस्ट प्रॉब्ली गोना ईट अ चीज़ पिज्ज़ा और समथिंग ऑफ द सॉर्ट्स। जनाब हमारा खाना आ गया है, ये चेक करें। पिक्चर देखनी आपको? पिक्चर ओके जनाब। सो हम वापस घर पहुंच आए हैं, ऑलमोस्ट पहुंच आए हैं। हमें वहाँ पर जो है वो कोई रहने का ठिकाना नहीं मिल रहा था, बिकॉज इट वॉज टू लेट। टू लेट इन अ सेंस कि वहाँ पर बुकिंग्स जो हैं वो आपको जल्दी करानी पड़ती हैं, और हम क्योंकि एन मोमेंट पे करा रहे थे तो जो बुकिंग्स बच गई हुई थी वो आउट ऑफ बजट थी, सो आउट ऑफ बजट कि वी कुड नॉट जस्टिफाई कि हम वो बुकिंग्स करवाते। सो वेल, हम वापस आ गए लंबा सारा ट्रैवल करके, और अभी हम फ्यूल भरवा रहे हैं और मोहम्मद लोग हमारे घर पहुँच चुके हैं ऑलरेडी हमसे पहले। अभी हम घर चलेंगे, आई थिंक चाय का सेशन लगेगा, एंड या दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे। थकावट हो गई है लेकिन मज़ा बहुत आया है, बहुत प्यारी जगह थी। वहाँ जाएँ तो मतलब आप लोग अगर जाएँ तो मेरा मशवरा ये होगा कि लाइक दो तीन दिन का ट्रिप रख के जाएँ और वहाँ जगह को अब्सॉर्ब करें। लाइक वो ऐसी जगह है ज़्यादातर लाइक वही है, लेक्स हैं, व्यू पॉइंट्स हैं, लेकिन वो जगह ऐसी है कि आपको देखनी चाहिए और वहाँ सुकून करना चाहिए। लाइक अपनी दुनिया के कामों से फारिग हो के उनको साइड पे करके, बल्कि फारिग तो नहीं हो सकता बंदा, लेकिन उनको साइड पे रख के बंदा उधर सुकून करने जाए, प्यारी सी जगह बुक कराए। वहाँ पे बहुत अच्छे कैबिन्स और ऐसे कॉटेजेस हैं, फ्लैट्स हैं, रिवर फ्रंट के ऊपर लाइक एयरबीएनबीज हैं, तो काफ़ी अच्छी ऑप्शंस हैं वहाँ पे। लेकिन आप पहले से बुक करा के रखें और वहाँ जाकर रुकें, आप दो तीन रातें सुकून करें, वहाँ पे सनसेट देखें, सनराइज़ देखें,
कलर्स इंजॉय करें, नेचर इंजॉय करें, सुकून इंजॉय करें और बस इंजॉय करें, बस वहाँ पे रिलैक्स करने जाएं, फ्रेश होके वापस आएं। सो या दैट इज़ व्हाट आई वुड रिकमेंड। अगर तो मैंने कुछ और रिकॉर्ड किया तो रिकॉर्ड होगा, अगर नहीं हुआ तो हम यहाँ पे वीडियो को एंड करेंगे। तो आपसे हम फिर दोबारा मिलेंगे अगली वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा और ये दुआ ज़रूर कीजिएगा कि आई कीप मेकिंग वीडियोज़, मेरी ये मोटिवेशन जो है ये यहीं पर रहे। सी यू नेक्स्ट टाइम, अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।